सर यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है ना, सारा शूटिंग इधर ही होता है। हिंदी फिल्म, तो कुछ नाम बताएंगे कौन कौन सी फिल्मों का शूटिंग हुआ यहाँ पे? कन्नड़ा ज्यादा होता है, तमिलिंगा, तमिल का, कन्नड़ा आपदा का, मित्रा, कोटि गोपालिंगा, केजीएफ सेकंड, केजीएफ सेकंड का यहाँ पे है, बेस्ट सेकंड, सेकंड 45। 45 से शूटिंग कौन सा हुआ फिल्म का? फिल्म मर्द, मर्द बलि जी, अमिताभ का, और बाद से आज का अर्जुन, आज का अर्जुन वहीं पे बने, लड़की ऊपर बनते ना, और अब बोले ना दीवाना, वो भी इधर ही लिए, मेरी दीवाना मूवी, मेरी उम्मीद गाना गाना है ना सॉन्ग्स, हाँ हाँ, इधर से लिया, दिव्य भारत के अंदर से आती है, अच्छा अच्छा दिव्य भारत इसके अंदर से आती है, मेरी उम्मीद, पहला फिल्म हिंदी अंजाम करके, मेरा महबूब को मिला हूँ, शाहरुख खान को मिला हूँ, शाहरुख खान दीवाना में एक बार, दोस्तों ये है मैसूरू का रेलवे स्टेशन, यहाँ का नज़ारा देखिए आप, कितना शानदार नज़ारा है। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जब यहाँ का नज़ारा देखा बहुत ही शानदार लगा। और यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है आई लव मैसूरू। दोस्तों अभी आप जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, इस प्रकार की मूर्तियाँ आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिली किसी भी रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है जो देखने को मिली है। और यहाँ से आप ऊपर का नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी? दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित ललिता महल पैलेस में। यह ललिता महल पैलेस मैसूर में बहुत ही फेमस है, यहाँ पर काफ़ी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ पर मर्द और उसके साथ में दीवाना फिल्म की शूटिंग हुई है। और हम अंदर चल के, वो अगर कोई हिंदी समझता होगा तो उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे यहाँ पर और कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर अंदर कैमरे से फ़ोटो लेना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बस मोबाइल से फ़ोटो वीडियो शूट कर सकते हैं। मैंने कहा था अंकल जी को कि मेरे पास एक स्मॉल कैमरा है, उससे वीडियो बना सकता हूँ, उनका नहीं, नोट अलाउ। चलिए मैं आपको थोड़ा सीन दिखा देता हूँ। ये है मेरे पीछे ललिता महल पैलेस, ये इसका मेन गेट। उधर अविन भाई हैं, वो टिकट ले रहे हैं, एक पर्सन का यहाँ पर 100 रुपये टिकट है। दोस्तों इधर ये मेन रोड है, उधर आपको शायद व्हीकल चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। मेन रोड से करीब 100 मीटर दूरी पर स्थित ये है महल, तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। अंदर चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, टिकट दिखाओ एक मिनट। देखिए अभिन भाई ने ये टिकट लिया है 2 लोगों का 200 रुपये का, इसमें हमें टी या कॉफ़ी, और इसमें हमें चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं ना, एक कप। पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वेलकम, और इधर ये कन्नड़ में लिखा हुआ है। चलिए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे गार्ड साहब है, सर क्या नाम है आपका? ಫೋಟೋ ತಗತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ ಸರ್ ಯಾ ಪೇ ಫಿಲ್ಮೋ ಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋತಿ ಹೇ ನಾ ಹಿಂದಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದರ ಇವತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋ ಕುಜ್ ನಾಮ್ ಬತಾಯೆಂಗೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಕಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಾ ಯಾ ಪೇ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಜಾದಾ ಚಲ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಕೌನ್ ರೌಡಿ ರಾಠೋಡ್ ರೌಡಿ ರಾಠೋಡ್ ಹುವಾ ತಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾ ಕೌನ್ ಸಾ ಹುವಾ ತಾ ಅಮಿತಾ ನಾಮ್ ಪತಾ ನೇ ಜಲ್ದಿ ಯಾ ಪೇ ಮರ್ದ್ ಹುವಾ ತಾ ಏಕ್ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ದಿವಾನಾ 2 ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಮುಜೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ कन्नड़ा ज्यादा होता है, तमिलिंगा, तमिल का, कन्नड़ा का, मित्रा, कोटि गोपालिंगा, केजीएफ सेकंड, केजीएफ सेकंड का यहाँ पे है, बेस्ट सेकंड, सेकंड भी है, केजीएफ फर्स्ट सेकंड दोनों का है। बंद कर बंद। यहाँ पे कन्नड़ा फिल्मों के और तमिल फिल्मों की ज्यादा शूटिंग होती है, बता रहे थे अंकल, जिनको मालूम है नहीं कि यहाँ पे इनका भी हुआ है। हिंदी फिल्म यहाँ पे लोग कम ही देखते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, अगर कोई हिंदी बोलने वाले मिल जाते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे फिर। दोस्तों ये है महल, अभी हम इसमें अंदर चलेंगे। तो यहीं पे हुई है काफ़ी फिल्मों की शूटिंग, हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, मर्द फिल्म और दीवाना फिल्म के यहाँ पे सीन है। दीवाना फिल्म जब शुरू होती है तो इसको दिखाया गया है, और उसके बाद इसमें ऋषि कपूर साहब की हवेली दिखाई जाती है। तो चलिए अंदर से भी कुछ सीन है वो दिखाते हैं आपको। पहले मैं आपको बाहर का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का। ये देखिए इसके पास में यहाँ पे गार्डन बना हुआ है शानदार। देखिए यहाँ पे शिलालेख पे बहुत ही शानदार अक्षरों में लिखा हुआ है ललिता महल पैलेस होटल।
जंगल लॉज एंड रिसॉर्ट्स। ओ देखा है पहली बार साजन की। इधर महल के ठीक सामने ही यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, फुवारे पता नहीं कब चलाते हैं इनको। और ये फ्रंट का नज़ारा, यहाँ से बहुत ही गजब का सीन बन रहा है भाई। ये देखो इधर से तो कैमरे में भी ना आ रहा भैया, और पीछे जाऊंगा। हाँ मोह लगे वहाँ से आ जाएगा शायद, वहाँ जाके बनाओ एक बार नज़ारा। अब बनेगा यहाँ से, ये मैं वाइड एंगल में ले रहा हूँ, तब जा कर के पूरी हवेली यानी कि पूरी होटल का सीन बन रहा है, नहीं तो पूरा सीन ही नहीं बन पाता। यहाँ से सीन बहुत गजब का रहा है, बहुत ही शानदार। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी फिल्म के स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा। एक फिल्म है मेरे पास दीवाना, उसकी यहाँ पे शूटिंग हुई, दीवान फिल्म में हवेली होती है, तो उसके मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी दीवाना फिल्म के जो गाने हैं वो तो सुपर हिट रहे थे अपने ज़माने के, तो उन गानों की शूटिंग जो है ऊटी में हुई है। तो यहाँ से हम शाम को ऊटी निकलेंगे और ऊटी जा कर के जितना भी हो सकेगा हम आपको जो दीवाना फिल्म के गाने हैं उनकी शूटिंग लोकेशन बताएँगे। तो चलिए अभी एक सीन और है, जब अमरीश पुरी आते हैं दीवान फिल्म की शुरुआत में तो वो उनकी गाड़ी यहीं रुकती है, तो वो दिखाता हूँ मैं आप। एक सीन दोस्तों यहाँ पर फिल्म में आते हैं जब अमरीश पुरी आते हैं गाड़ी लेकर, तो इधर से ही आती है उनकी गाड़ी। उसमें बैकग्राउंड का सीन दिख रहा है, उसमें आप देखिएगा दो पेड़ भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी वो पेड़ काट दिए हैं नहीं यहाँ पे। मतलब हिंदी आता यहाँ पे शूटिंग हुआ था कोई फिल्म? हम देखो इधर पुराना आदमी है। अच्छा कितने से? 45 से। शूटिंग कौन सा हुआ फिल्म का? पहला फिल्म में अमिता का शराबी। शराबी? अच्छा, और दूसरा? और दारू पी के अंदर भी गिर के जाता ना इधर उधर नाइट में। अच्छा अच्छा, और कौन सा सीन? में घर गवा फिल्म मर्द मर्द बली थी अमिता का। और बाद से आज का अर्जुन, आज का अर्जुन वहीं पे बने, लड़की ऊपर बनते ना। अच्छा अच्छा, लड़की ऊपर। हाँ बाद में बरसात, बाबी डेल का, बरसात का भी यही का सीन है। सीनरी बना के गार्डन में, गार्डन में सीनरी बनाया था। और अब बोले ना दीवाना वो भी इधर ही लिया, मेरी दीवाना मूवी, मेरी उम्मीद गाना है ना सॉन्ग्स, हां हां इधर से लिया, दिव्या भारत के अंदर से आती है इधर। अच्छा अच्छा, दिव्या भारत इसके अंदर से आती है। मेरी उम्मीद पहला फिल्म हिंदी अंजाम करके, हेमा मालिनी का पहला फिल्म अंजाम। कब आया था वो फिल्म? घोड़े का ये बना है उधर, वो फिल्म कब आई थी अंजाम? अंजाम होगा 25 साल हो गया। अच्छा 30 साल हो गया। आप यहां कितने सालों से रह रहे हैं? 45। अच्छा 45। आप किधर रहने गए? बहुत तो कई कन्नड़ा फिल्म भी होती होंगी यहाँ पे, कन्नड़ा तमिल, कन्नड़ा तेलुगु तमिल मलयालम फोटो बहुत होती हैं। अच्छा ये बिल्डिंग का लिस्ट इधर है देख लो बोर्ड। अच्छा यहाँ पे पुराना है, राजा का नाम है यहाँ पे, अंकल जी बता रहे राजा का नाम लिखा हुआ है पूरा, देख सकते हैं आप, महाराजा ऑफ मैसूर 18 नवंबर 1921। क्या क्या बजाते हैं आप? राजेश खन्ना का, किशोर कुमार का गाना सुनो। क्या बात है, इंटरनेशनल। मेरा महबूब आया है, हमारा एज कितना मालूम? 74। 74 एज आपका? 9 बच्चा, एक बेटा चला गया, 3 बेटे 5 बेटी। आप कहाँ से हैं? हम मैसूर वाले, मैसूर से। सैयद बाबू नाम मेरा पूरा। अच्छा अच्छा, मैसूर के आदमी है। इधर कितने के एक्टर साथ है ना, सबको मिला हूँ मैं, फोटो नहीं लिया। सभी एक्टर अमिता को मिला हूँ, शाहरुख खान को मिला हूँ, शाहरुख खान दीवाना में एक बार इधर इधर खड़े थे, अंदर नहीं गए। अच्छा अच्छा, बाहर खड़े थे सर, ये जिप्सी में गाना है ना, इधर से लिया शाहरुख खान का। सारों से मूवी देखा हूँ मैं, करोड़ों मूवी। अच्छा कोई अच्छा सा एक धुन अगर बजाइए पुराना, किसी गाने का। पुराना है हमारे जमाने का, कितना साल का बोले तो 60 साल का गाना है। पहला पहला प्यार ये 100 साल पहले। नहीं
100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नया में ये गाना लास्ट आता है हमारे को, तो सा सलमान जी का। हाँ बताइए। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। ये सलमान खान का, ये आया है अक्षय कुमार का। धड़कन का मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हो गया अमिताभ को बजाया, ये मर्द पिक्चर में पिकअप होगी इजाजत है। अपना गाना सुनो, सब बोले बजाइए, बोले अमिताभ बच्चन। अच्छा हाँ। टाइम में देखो यार, मेरे गाने में तुम्हारा क्या काम है। अभी अंदर चलते हैं और अंदर घुसते ही वाव क्या नज़ारा है अबन भाई, शानदार भाई साहब, मस्त। यहाँ पर ये बैठने के लिए गद्दी लगी है और यार बाहर अंकल जी ने गाना बजा दिया, तुम याद आए। क्या करूं हाय कुछ कुछ। ये यहाँ पे रिसेप्शन, मेरे ख्वाबों में जो आए, वो गाना बज रहा है बाहर, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। दोस्तों यहाँ पर एक सीन है दीवाना फिल्म में, आप देखिएगा वीडियो साफ होना आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी। ये क्या भैया फूल, अबिन ये फूल ताज़ा हैं या फिर प्लास्टिक के? नहीं ये रियल फूल है, ताज़ा। एक निकाल लूँगा? नहीं यार ऐसे नहीं निकालना। तो कैसे निकालूँ फिर? ऐसे नहीं, बाहर से तोड़ लेना, पर यहाँ से नहीं निकाल। अच्छा ये है बैंकेट हॉल इधर, और ये है वॉच। 3:45 हैं। ओ भाई जल्दी निकल रहे, 1 घंटा का टाइम है, यहाँ 15 मिनट बची हैं। इधर आना है भाई साहब, राइट साइड में। ओ हो ये है वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कर्नाटका। क्या बात है, कर्नाटक के जो दार्शनिक स्थल हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पे। ये इधर केक, इधर बैठ के खाना खाने का, इधर ये अंग्रेजों के जमाने का पेंटिंग लगा हुआ है, देखिए मछली, इसमें तो ब्लैक कलर की मछली है, बहुत ही शानदार। अरे इधर तो भैया टीवी भी चल रही है। अरे भैया शेर,
चलो बहुत हो गया, अंदर दिखाते हैं आपको जहाँ पे रेस्टोरेंट बना है। अरे वाह यार, शानदार रेस्टोरेंट। इधर रिसेप्शन, और वीडियो कभी कभी बहुत बेकार हो जाए। तो चलो यही वीडियो बंद करते हैं, कुछ चाय पानी का जुगाड़ देखते हैं। भाई दोस्तों, हम दो लोग हैं, मैं हूं और मेरे साथ अभिन यदवंशी। तो दो लोगों के लिए यहां पे हमने दो कप कॉफ़ी मंगाई है, उसके साथ में बिस्किट आए। ये है 200 रुपये का, 200 रुपये में पूरा महल घूमो और ये चाय कॉफ़ी जो भी पीना है पियो। और 200 रुपये में दोनों पर्सन का? हाँ दोनों का। और बस एक घंटा घूमो यहाँ पे और ये चाय पानी पियो और यहाँ से निकलो, बस कल्टी मार लो। है दोस्तों, अभी हम होटल परिसर से बाहर निकल रहे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं, 2 बजे हमने एंट्री ली थी यहाँ पर। टिकट लेने के बाद 1 घंटे घूम सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, 1 घंटे में पूरा घूम घाम के बाहर निकलना होता है। तो अभी 3 बजने वाले हैं, हम 1 घंटे से पहले ही वीडियो बना के चाय पी के और बाहर जा रहे हैं। अभी हम मेन रोड पर पहुंचते हैं, वहां से हमें ऊटी के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन अंकल जी बता रहे थे कि ऊटी के लिए यहां से सीधी बस नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा और वहां से ऊटी के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। तो यहां से पहुँचते हैं बस स्टैंड और फिर वहाँ से ऊटी पहुँचते हैं। ऊटी में आपको पता है काफ़ी शानदार फिल्मों की शूटिंग होती है, जो 90s की फिल्मों के जो रोमांटिक सॉन्ग थे वो वहीं पर फिल्माए जाते थे। और अभी भी काफ़ी फिल्मों की शूटिंग उधर होती है, क्योंकि वो अच्छा पहले से शूटिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली लोकेशन पर, ऊटी वाली लोकेशन पर मिलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।